इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी मैच हुआ बहुत ही कांटेदार मैच हुआ है। और आजकल तो मैच के बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुआ, लेकिन पहले जब मैच खेला जाता तो टीमों के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती, शायद अफ्रीदी जैसे खिलाड़ी बहुत ज्यादा लड़ाई करता। और अभी इन दो तीन सालों में मैच देखा तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भाईचारा हुआ है, लेकिन इस बार एशिया कप का पहला मुकाबला में एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम ने उकसा दी। और अब जब पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम ने उकसा दी है और जब पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम ने उकसा दी है तो पाकिस्तान की टीम ने इको पूरा बदल चुकाना पड़ेगा। मैं बात करूँ हरीश रॉफ के बारे में, हरीश रॉफ ईशान किशन को विकेट लेके जिस तरीका से ईशान किशन ने 12 रन के लिए बोलो, जिससे विराट कोहली समेत पूरी इंडिया टीम में और पूरे इंडिया के दर्शक बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर रहे हैं। और विराट कोहली और ईशान किशन को पलटवार कर रहे हैं, तो वीडियो में थानी के बारे में बताऊं तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और वीडियो लाइक भी करके जाओ। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान के एशिया कप के बारे में। एशिया कप को पहला मुकाबला जो कि 2 सितंबर ने खेलो गयो, इस मैच में टीम इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग चुनी और टीम इंडिया का शुरुआती विकेट बहुत जल्दी पड़ गया। एक बार फिर से पाकिस्तान का तीनों फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हरीश रॉफ टीम इंडिया कमर से तोड़ दी। पाकिस्तान की टीम इंडिया टीम का 3 विकेट जल्दी गिरा लिया, शुभम गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट कर दिया। लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद में खेल बनाया हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, और ये दोनों खिलाड़ी आपका पैर क्रीज पर अंगद की तरह जमा लिया और बिल्कुल भी आलम नाम खुल लियो। ये सब देख के पाकिस्तान की टीम बौखला गई और बिका बॉलर भी बहुत ज्यादा थक गया। पाकिस्तान की टीम इंडिया का विकेट लेना खतर बहुत ज्यादा तरस गई, क्योंकि हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के बीच में 100 से भी ज्यादा नई साझेदारी होगी। लेकिन लास्ट में बन और मौको मिलेगा, ईशान किशन लंबो शॉट खेलने के चक्कर में हरीश रॉफ की गेंद पर शॉट उठा दियो और वो शॉट बाबर आजम कैच कर लियो, तो ईशान किशन जय ही आउट हो। हरीश रॉफ ईशान किशन ने इशारों करके बोलो बाहर निकल, और यह बात टीम इंडिया और ईशान किशन का मन में खटक गई। और तो जी टाइम पर ईशान किशन ने हरीश रॉफ बाहर निकलने के बोलो भी टाइम पर विराट कोहली भी पवेलियन से हरीश रॉफ की हरकत देख रहे हो। और अब सबने लग गया कि विराट कोहली अगला मैच में जो कि 10 सितंबर न होगा भी मैं हरीश रॉफ की आवाज निकाल बड़ो है। ईशान किशन के बाद में हार्दिक पांड्या भी चलते रहियो और टीम इंडिया 28 ओवर में 266 रन पर आउट होगी। पाकिस्तान लगी हुई पाकिस्तान यू मैच आराम से जीत ले सी, लेकिन भी मैच में बरसात आ गई और यू मैच रद्द हो। तो अब अगला मैच 10 सितंबर न होगा और 10 सितंबर ने सबने आशा है कि विराट कोहली और ईशान किशन हरीश रॉफ ने जवाब जरूर दे सी। तो सबने 10 सितंबर को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार को मैच सिर्फ मैच ही कुनी, इस बार को मैच है टीम इंडिया को बदलो। तो 10 सितंबर ने देखना होगा कि टीम इंडिया आपको बदलो हरीश रॉफ से लेस कर गया कौन लेस कर गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो जो खराब हुई तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।